शाहरुख सर, आप तालियों में बिजी हो गए थे इसलिए मैं जल्दी चला गया। तो सर, मैं वो आपको लेकर आया था इसके इधर, तो बड़ा टेम्पो का शाहरुख खान से पैसे मांग रहा है। क्या भाड़ा, क्या मतलब यार, तुम अच्छे कॉमेडियन हो, सब मिमिक्री वमिक्री कर रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका यार, ये भाड़ा भाड़ा? तुम्हें मालूम है अपनी इसलिए गाड़ी के अंदर आया हूँ, तुम्हारा जो ये ट्रक है इसमें धक्के वक्के मार के तुम लेकर आते हो। मतलब इसमें नहीं, मुझे एक बात बता, तू लॉजिक तो रखना चाहिए ना कुछ, कॉमेडी शो इसका मतलब सब कुछ भूल जाएगा तू। नहीं सर, उसमें ये था, पता नहीं भाड़े का मतलब क्या है, मुझे बता। धक्का मार के अगर तू नहीं लेके आता, मैं नहीं आता यहाँ। आइडिया था किसका ये जो मैं लेकर आया, पैसे मांग रहा है तो शर्म नहीं आ रही तेरे को यार? ट्रक दिया, मैं पैसे रखूंगा जेब में, मैं शाहरुख खान हूँ, जेब में वॉलेट लेके घूमता हूँ, पैसे लेके घूमूंगा मैं? तो अगर गोद में उठा के लेकर आता फिर भी पैसे देता मैं तेरे को? ये टक्सीडो पहन के थोड़ा ना इंटेलिजेंट हो जाता कोई, ये तो सबका 25 रुपए में तीन आते हैं। इधर आ, अच्छा बात सुन, अच्छा बात सुन, आ जा। सीरियसली भाई, 25 रुपए में तीन मिलते हैं। अभी इसके साथ मिल गए, ये तो लगा लिया तूने, तेरे को फांसी हो गई। तो फांसी हुई पड़ी है, आवाज नहीं निकल रही। आपने तो पहनाया सारा कुछ, निलाया किसने तुझे आज? तेरे को ट्रक किसने दिया पहले ये बता। पीछे से मेरे को बताया गया, कहते भी शाहरुख सर ने आना है, आपने अच्छी सी एंट्री करवानी है। मैं कहा ठीक है, तेरी नजर में ये अच्छी थी। शाहरुख खान मतलब अपनी बाहर इंपोर्टेड गाड़ी में आए, और तेरे मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। देखिए, फिल्म में जिस चीज की स्मगलिंग करते हैं वो बहुत महंगी थी, अच्छा इसलिए मैं दूध ले आया। तो दूध वाला, दूध के पैसे भी मांगेगा तू? अच्छा भाजी, आपको पता है ये लोगो जो है राइट साइड से क्यों आता है? वो साइड में इसी तरह लगाते हैं क्योंकि ये भी राइट साइड से आता है। तो सोनी साहब को लगा कि कोई तो चीज अच्छी आए राइट साइड से, तो वो लोगो खूबसूरत लगता है। इसका मुंह तो ब्लर करने वाले हैं थोड़े अगले एपिसोड में। हाँ जी पाजी, सही कह रहे हैं, इधर से तो शकीरा एंट्री लेती है ना रोज ही। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम तो सेंटर में आते हो ना, तुम क्यों आता है? नहीं, अब मैं आपको आप कहूंगा तो लोग कहेंगे किसी पार्टी को समर्थन दे रहा हूं मैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे सकता हूं? भाई आपको पता है कुछ मर्द तरक्की क्यों नहीं करते? जो? उन मर्दों को तो इसने चूड़ियां पहनाई हुई हैं। भाई मुझे भी कहता औरत बन जा, औरत बन जा, मैं नहीं बना औरत। दो बार मैंने ट्राई भी किया, वो बड़ा गंदा, मेरे को मैं ही नहीं अच्छी लगी। सूट मैंने पहना हुआ था शाहरुख भाई, पीछे जूड़ा लगाया हुआ, तो जब मैंने रेड लिपस्टिक पहनी ना, ऐसे लगाई मैंने रेड लिपस्टिक। क्या 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 दोबारा? जब मैंने रेड लिपस्टिक लगाई ना, स्पेलिंग बता जरा, रेड लिपस्टिक, कौन सी लिपस्टिक? और मेरी बात सुनो, आप ध्यान से बात करो, शाहरुख सर के साथ मेरा उठना बैठना है। उठना बैठना नहीं, तेरा मांगना गिड़ाना है तेरा उनके साथ। देखो अम्मी जान कहती हैं कि अम्मी, तू कब से कहने लगा? तू तो मम्मी कहता था। शो के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से शाहरुख भाई, कहीं ना कहीं तो मैं रईस की प्रमोशन कर ही रहा हूँ। क्या बात है, कैसी बात है भाई, रईस की बहुत काम किया तूने मिले, मुझे ट्रक पर लेकर आया है, दूध के साथ लेकर आया है, मेरी पिक्चर की तू ना होता तो मैं कुछ ना होता। थैंक यू वेरी मच। और शाहरुख भाई, ये रईस इस बार बहुत बड़ी हिट होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि अब देखो सही, रईस की प्रमोशन भिखारी कर रहा है खुद। प्लीज नहीं, वो बीच में आ रहा है, ले 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 फिरंगी के बाद, मैं तेरे पास नहीं आने देना। थैंक यू शाहरुख, थैंक यू चंदन, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज फॉर चंदन, थैंक यू, थैंक यू। स्टेटस अपडेट कर दें, शाहरुख खान सर विद चंदू चाय वाला, आई वाज नॉट रेडी बट शाहरुख सर फोर्स्ड मी। नवाज भाई ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान्स के साथ काम किया है, शाहरुख भाई के साथ रईस कर रहे हैं, और सलमान भाई के साथ बजरंगी भाईजान किक कर चुके हैं, आमिर खान साहब के साथ आप तलाश फिल्म में काम कर चुके हैं, आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि तीनों खान्स के साथ काम करने के बाद ये कैरेक्टर तैयार होता है कपिल शर्मा शो में आने के लिए? मतलब आई मीन ये नमस्ते, क्या होगा डॉक्टर साहब को बंबर? ये आ रहा मैं। आ नहीं रहे हैं आप, आपको ला रही हूं मैं। अम्मी जान कहा करती थी ये बाथरूम में कौन गया जिसने फ्लश नहीं किया? I'm really sorry, एकदम बेगी बेगी बातें कर रहे हैं। I'm really sorry। देखिए डॉक्टर साहब, अरे
सिद्ध साहब महाराज 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 सॉरी ये तो पहले करता था अभी तो ऐसे करना पड़ेगा सिद्ध साहब चार चार शाहरुख खान बैठे हुए तीन तीन नवाज बैठे हुए हैं जी नमस्ते आदाब सत श्री अकाल राम राम मालिक डॉक्टर साहब एक मिनट आप आराम से आप खड़े क्यों हैं आप इधर आइए ना इधर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए आराम से इधर सोफा पे बैठो आप बैठिए थैंक यू सो मच बैठिए बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ यहाँ सुन आप ठीक से देखिए यहाँ पर ये एक्टिंग की दुकान है ये शाहरुख खान है और ये आदमी नादान है और ये लड़कियों की पहलवान है और अनाज का गोदाम है मैं सर डॉक्टर मिश्र गुलाटी हाँ उन्हें पता है DDLJ जी हेलो हाउ आर यू मतलब DDLJ मतलब दूध दही लस्सी जलजीरा कुछ लेंगे इफ यू डोंट माइंड सर आप राइस है ना आपको आवाज तो नहीं आ रही नहीं आपका जो राइस का जो दारू का ट्रक है ना हाँ हाँ वो मैंने छुपा लिया है पेट में छुपा लिया किसी को कानों कान खबर नहीं होगी एक पौवा पी के ये हाल हो गया इनका देखिए आप पौवा मैंने पिया लेकिन कंटेनर तो इसके पेट में डाला है ना हाँ तो डाला है तो मुझे चढ़ी तो नहीं ना हाँ तो कंटेनर को कहाँ चढ़ दिया Okay, excuse me, everybody. As a doctor, I have to go to Laghu Shanka. I'm just coming. क्या 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 कहाँ जाने आपको? Nature calling. मतलब? मतलब 7,000 तेरे को दिखा देता हूँ. नहीं नहीं. नहीं नहीं नहीं. नवाज साहब आप आ जाएं साथ में. नहीं मुझे पता चला आपने काफी दिनों से धोया नहीं है वो. माफ कर दो. आपने कहाँ देख लिया? अभी बताया इन्होंने. नहीं नहीं आप आए आधा तक बाथरूम में जाए आ जाओ. आइए आइए कुछ नहीं. आइए नवाज साहब कुछ नहीं आइए होगा तो नहीं मुझे आप, आप कॉफी पिलाने लग जा रहे हैं आधा आधा कप बाथरूम में बैठ हटिए उनको छोड़िए नवाज भाई आप हमको तो जाना पड़ेगा ना तो आप होकर आइए ना कंपनी हो जाती है दो मिनट कोई बात नहीं क्या प्रॉब्लम ये क्या कर रहे हैं ये फोन बूथ है PCO है एक रुपए का सिक्का डाल देगा नो प्रॉब्लम बस ISD मत कीजिएगा जब आई लोकल है तो ISD क्यों करेगा अब यहाँ आइए एक मिनट बहुत हो गया आप उधर क्यों ले जाती है मेरे को समझ नहीं आता इधर आइए आप ज्यादा चढ़ गया आपको आप ये नींबू चाटिए नींबू नहीं ये संतरा है नहीं ये नींबू ये तो कल रात को क्या हुआ ना मैंने इसको बहुत डांटा इतना डांटा तो मुंह फुला के बैठा है बस तेरे को किसने डांटा जो तू इतने फुला हुए है हैं ओके एक चीज दिखाऊं दिखा 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 बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो बच्चे आंख बंद कर संतरा नंगा हो गया आपको दिखाई दे रहा है इतने बड़े लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं आप ये दारू पी के तो दारू पी के मेडल कौन देता है बेइज्जती ही होती है शाहरुख सर मैंने आपका पिक्चर देखा जी बियर ज़ारा क्या देखा आपने बियर ज़ारा जी बियर ज़ारा पता है कैसा लगा मेरा मजाक मैं मजाक के साथ बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट भी करता है नवाज साहब करे मांगता है मांगता कि नहीं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स